जून अपने बड़े भाई से गुस्से में पूछता है कि इतने सालों तक उसने उसे अंधेरे में क्यों रखा। वो उसे सच बताकर भी तो प्रोटेक्ट कर सकता था ना। जून का ये भी कहना था कि उसके बड़े भाई को हमेशा उसके साथ रहना चाहिए था, ताकि जून को अपने बड़े भाई का साथ मिल सके और उसे अपने ही घर में अजनबियों जैसा ना रहना पड़े। जून की सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुम्हें बचाने का मेरे पास में यही एक तरीका था। जून अपने बड़े भाई से पूछता भी कि इतने सालों तक वो अकेले ही डैड का ये जुल्म क्यों सहता आ रहा था, तो उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि हम सभी को लाइफ में कुछ ना कुछ रोल्स दिए जाते हैं और मेरा रोल था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। अपने बड़े भाई का बलिदान देखकर जून की आंखें नम हो जाती है और वो उनसे शुक्रिया अदा करता है जून को सच्चाई बताने के लिए। जून की इस बात पर उसका बड़ा भाई उससे कुछ नहीं कहता और एक स्माइल के साथ जून को घर ड्रॉप कर देता है। थोड़ी देर बाद सोयन भी ट्रिप से वापस आ जाते हैं और उसके वापस आने पर हमें पता चलता है कि सोयन के साथ बाकी सब लोग भी ट्रिप से वापस आ चुके, क्योंकि सभी को जून की चिंता हो रही थी। जून को इस बात का थोड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से सब लोगों की ट्रिप खराब हो गई, पर तभी सोयन उससे कहता है कि क्या तुम्हारी बात तुम्हारे बड़े भाई के साथ अच्छे से हो गई? तो जून सोयन को अपने भाई से जुड़ी हुई हर बात बताता है। सारी बात सुनने और समझने के बाद सोयन जून से कहता है कि जून और उसके बड़े भाई के बीच में सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा और वो दोनों ही ऐसे ही बैठकर बात करेंगे जैसे कि अभी सोयन और जून कर रहे हैं। सोयन की इस बात पर जून स्माइल करते हुए कहता है कि काश ऐसा दिन जल्दी से आ जाए। हॉस्टल में सोबिन जून को लेकर परेशान थी क्योंकि जून ने अब तक के सोबिन को कांटेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ मिजू और योंग भी इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर सोयन को कौन पसंद है। योंग को लग रहा था कि सोयन को मिजू पसंद है और मिजू को लग रहा था कि सोयन को योंग पसंद है। अपनी अपनी परेशानियों से जूझते हुए वो तीनों ही चैन की नींद नहीं सो पाते। अगले दिन जून जब सोबिन से मिलता है तो वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तो जून उसे हाँ में जवाब देता है। जून सोबिन को ये भी बताता है कि उसके और उसके बड़े भाई के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। सोबिन भी इस बात से खुश थी क्योंकि फाइनली जून जब अपने बड़े भाई का नाम ले रहा था तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अलग सा सुकून था। मिजू अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि वो जल्द से जल्द अपना कॉलेज बदलवाना चाहती है। मॉम मिजू से पूछती भी कि सब कुछ ठीक तो है ना, वो अचानक से ऐसा क्यों कह रही है, तो मिजू उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ जून के सीनियर दोस्तों से मस्का लगाने की कोशिश करते ये कहकर कि वो उनके बदमाश दोस्त के खिलाफ है और अब से वो जून का ही साथ देंगे। वो दोनों सीनियर्स ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें जून के रूप में अपना एटीएम मशीन फिर से वापस चाहिए था, पर जून उन लोगों की बातों में इतनी आसानी से नहीं आने वाला था। वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे देखने लगता है। सुबिन जब क्लास में आती तो जून उसका हाथ पकड़ लेता ताकि सब लोगों को पता चल सके कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। क्लास खत्म होने के बाद सोयन को मिजू अप्रोच करती है और उससे कहती कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। जून भी सोयन को इशारे से कहता है कि उसे मिजू की बात एटलीस्ट एक बार सुन लेनी चाहिए। सोयन जून की बात मानते हुए मिजू से बात करने जाता है तो मिजू उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम योंग को पसंद करते हो। मिजू की इस बात पर सोयन उससे कुछ नहीं कहता तो मिजू ही सोयन से कहती है कि अगर तुम सच में योंग को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी तरफ अपने बढ़ते हुए कदम पीछे ले लूंगी और कभी भी तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। मिजू सोयन से ये भी पूछती कि क्या तुम जाना नहीं चाहोगे, मैं तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ। मिजू की इस बात पर सोयन उससे कहते कि मैं जानना तो चाहता हूँ पर मुझे नहीं पता मुझे वो हक है भी या नहीं। तो मिजू कहती है उस दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मेरा दिन बहुत ही ज्यादा खराब गुजर रहा था और जब मेरे हाथ से वो कैन गिरी थी तब तुमने ऐसा बिहेव किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे उसी बिहेवियर की वजह से मुझे तुम पसंद आए क्योंकि तुम बिल्कुल एक मजबूत पेड़ की तरह हो, चाहे कितनी भी बारिश आए, आंधी या तूफान, तुम हमेशा उसका डटकर सामना करते हो। तुम्हारी यही क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहती थी जो कि हमेशा मुझे गाइड करे। मिजू सोयन से थैंक यू भी कहती है क्योंकि वो उसकी लाइफ में आया और ये सारी बातें सुनने के बाद सोयन मिजू से माफी मांगता है क्योंकि वो मिजू को बदले में कुछ नहीं दे पाया। जाते जाते मिजू सोयन को उसका स्केच दे देती है जो कि मिजू ने अपने हाथ से ड्रॉ किया था। स्केच देखकर सोयन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है और मिजू वहाँ से चली जाती है। जून जब सोबिन के साथ अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने घर के बाहर उसकी मॉम खड़ी दिखती है। जून अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि वो कभी भी जून से ऐसे ही मिलने नहीं आती थी। जून सोबिन को अकेले में बताता है कि ये उसकी मॉम है और अपनी मॉम को लेकर घर के अंदर चला जाता है। जून अपनी मॉम से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, क्या वो फिर से उसे डांटना चाहती या फिर ये एहसास करवाना चाहती है कि जून को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जून के इस बर्ताव से उसकी मॉम थोड़ी इम्पेशेंट हो जाती है और उससे चिल्लाते हुए कहती है कि जून का बड़ा भाई उनका फोन नहीं उठा रहा है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर जून अपनी मॉम से कहता भी है तो क्या आप ये चाहती है कि मैं अपने बड़े भाई को कॉल करूं? जून की ये बात सुनकर उसकी मॉम से ताना मारने लगती है ये कहकर कि तुमने मेरे बड़े बेटे से ऐसा क्या कह दिया कि वो मेरे फोन तक नहीं उठा रहा है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर जून उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब उन्हें अपने बड़े बेटे को छोड़ देना चाहिए। जून के चिल्लाने से उसकी मॉम इतनी डर जाती है कि वो डर के मारे कांपने लगती है।
और तभी जून अपनी मॉम के हाथों पर चोट के निशान देखता है। निशान देखते से ही जून समझ जाता है कि ये दर्द जरूर उसके डैड ने उसकी मॉम को दिया है। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर जून को गुस्सा आ रहा था और वो अपनी मॉम से पूछता भी है कि वो इतने सालों तक इतने अब्यूसिव हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती है। जून की मॉम उसे शांत रहने के लिए कहती है और रोते हुए जून के घर से चली जाती है। शाम में जून जब अपने बड़े भाई को कॉल करता है तो वो उसका फोन उठा लेता है। जून जरा सी भी देरी नहीं करता और अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या वो जानता था कि उनकी मॉम इतने सालों तक उनके पापा का अब्यूसिव बिहेवियर झेल रही थी। तो जून का बड़ा भाई हाँ कहता है और जून को ये भी बताता है कि उसने उनकी मॉम को कई सालों पहले बोला था कि वो डैड को छोड़ दे, पर उनकी मॉम ने जून के भाई की बात नहीं मानी। अपने भाई से सारी बातें जानने के बाद जून उनसे कहता है कि मॉम की सच्चाई पता लगने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें माफ भी कर पाऊंगा। जून की बातें सुनने पर उसके बड़े भाई की आंखें फिर से नम हो जाती है। अगले दिन जून के डैड का ड्राइवर उन्हें जून के वीडियो के बारे में बताता है, वही पिटाई वाला वीडियो जो कि अब पूरे शहर में वायरल हो चुका था। वीडियो के बारे में जानते से ही जून के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वो जून को जल्द से जल्द उनके पास ले आए। ड्राइवर जब जून को लेने जाते तो वो देखते हैं कि जून का बड़ा भाई उसी के आसपास है। उन्हें वहाँ पर देखकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। सोबिन को उसकी मॉम का बरसों बाद कॉल आता है और वो उनसे मिलने जाती है। सोबिन अपनी मॉम से इस बात से भी नाराज थी कि इतने सालों तक तो उसकी मॉम को उसकी याद नहीं आई, फिर अचानक से अब क्या हुआ जो उसकी मॉम ने उसे कॉल किया। सोबिन अपनी मॉम से भी जब इस बारे में पूछती है तो उसकी मॉम उससे माफी मांगने लगती है। सोबिन अपनी मॉम से कहती है कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए क्योंकि मैंने हमेशा खुद से ज्यादा आपकी कदर की। हर रात जब मैं आपको मिस करती हुई रोया करती थी तब आप कहाँ थी। इतना कहकर सोबिन वहाँ से जाने लगती। वो अपनी मॉम से इतनी गुस्सा थी कि वो उनका एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनना चाहती थी। सोबिन को अपनी मॉम से दूर जाते हुए दर्द तो बहुत हो रहा था, पर वो अपनी मॉम को अपना ये दर्द नहीं दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सोबिन जब जून से मिलने जाती तो जून उससे पूछता है कि उसकी मॉम के साथ में उसकी मीटिंग कैसी गई। तो सोबिन उसे सारी बातें बताती है। जून सोबिन को कंसोल करते हुए कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस उसे चीजों को थोड़ा समय देना चाहिए। जून के समझाने पर सोबिन को भी थोड़ा रिलीफ फील होता है। जून और सोबिन जब वापस कॉलेज लौट रहे थे तभी जून के डैड का ड्राइवर जून को अप्रोच करते हुए कहता है कि उसके डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। जून सोबिन से कहता है कि वो कुछ समय के लिए घर जा रहा है क्योंकि उसके डैड उसे याद कर रहे हैं। इतना कहकर जून उस ड्राइवर के साथ चला जाता है। सोबिन जब प्रोफेसर यू के साथ में काम कर रही थी तब बातों ही बातों में प्रोफेसर यू को बताती है कि जून आज अपने डैड से मिलने गया है। ये बात जैसे ही प्रोफेसर यू को पता चलती है वो घबराहट में अपने ऑफिस से निकल जाते और अपनी मॉम को कॉल करके पूछते हैं कि क्या वो घर पर है। जब उनकी मॉम नामी जवाब देती है तो वो मॉम से पूछते हैं कि डैड ने आज जून को घर पर क्यों बुलाया है। मॉम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था तो जून का बड़ा भाई उनसे कहता है कि वो जल्द से जल्द घर पहुंचे। कॉल रखने के बाद जल्दबाजी में जून का बड़ा भाई भी घर के लिए निकलता है। फ्लैशबैक में हम जून के बड़े भाई का बचपन देखते हैं। वहां पर वो अपने डैड से कहता है कि अगर आज के बाद आपने जून को एक उंगली भी लगाई तो मैं आपकी जान ले लूंगा। आज से आपका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि मैं हूँ। जून का बड़ा भाई अपने डैड से ये भी कहता है कि अब से आप अपना गुस्सा सिर्फ मुझ पर निकालोगे और जून की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। जून का बड़ा भाई अपने डैड को धमकाते हुए ये भी कहता है कि आपने मेरे और जून के साथ जो कुछ भी किया है वो सब इस पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड है। बैक इन प्रेजेंट जून के डैड उसी के सामने उसी की पिटाई वाली वीडियो देखते हैं। वो वीडियो देखकर जून के डैड को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो जून से ये भी कहते हैं कि उसके भाई ने सिर्फ उसी के लिए कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी को ठुकरा कर उसके स्कूल को ज्वाइन किया ताकि वो उसका ध्यान रख सके, पर जून ने उसे वहाँ पर भी शर्मिंदा कर दिया। जून अपने डैड को समझाते हुए कहता है कि वो अपने भाई को स्कूल में हाई तक नहीं बोलता, पर जून के डैड उसकी कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो जून से कहते भी कि उसे अपना स्कूल छोड़कर वापस घर पर आना चाहिए, पर जून उन्हें सख्ती से मना कर देता है। जून के डैड को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था तो वो जून को बेरहमी से एक कमरे में लेकर जाते हैं और जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर कमरे के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।